नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क नाटक। जगदीश चंद्र माथुर जो हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में और एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी प्रसिद्ध एकांकी भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी के लिए प्रसिद्ध है। उसके साथ ही उनके जो नाटक है पहला राजा, कोणार्क, शारदिया इत्यादि जो नाटक है, उन्होंने जगदीश चंद्र माथुर को हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही ख्याति प्रदान की है। आज हम देखेंगे जो राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के अंदर जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंदर ये नाटक लगा हुआ है। तो इस नाटक की कथा वस्तु या कथानक क्या है? तो इस नाटक की शुरुआत के करने से पहले मैं सबसे पहले कुछ इसके बारे में बताना चाहूंगी कि कोणार्क नाटक, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा जाने वाला नाटक है, जिसके अंदर जो मुख्य पात्र है वो मुख्य पात्र कौन कौन है? राजा नरसिंहदेव, विशु जो महाशिल्पी है, राजीव, धर्मपद, महेंद्र वर्मन, महामात्य चालुक्य, दूत शैवालिक और सौम्यश्री दत्त, ये इसके मुख्य पात्र है जो इस नाटक के कथानक को गढ़ने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कोणार्क नाटक है, इस कोणार्क नाटक की जो शुरुआत है, उस शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने अंकों में ये नाटक विभाजित है। तो देखते हैं कि प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक, इस रूप में कोणार्क नाटक जो है वो तीन अंकों में विभाजित है। और इसके अंदर जो पहला अंक है उसके अंदर कोणार्क मंदिर में जो शिल्पी है विशु, उस विशु का कक्ष बताया गया है। दूसरे अंक में भी विशु का ही कक्ष बताया गया है और तीसरे अंक में मंदिर के गर्भगृह से सटा हुआ अंतराल बताया गया है। अब क्या है, जैसे नरसिंह देव के बारे में मैं बताती हूँ। राजा नरसिंह देव जो कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि इतिहास के अंदर राजा नरसिंह देव एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी राजा थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के साथ में कई कलात्मक मीनारों का और भवनों का निर्माण करवाया। तो हम भारत के नक्शे में देखते हैं कि उड़ीसा, जिसको इस नाटक में या पहले जिसका नाम क्या था, उत्कल प्रदेश, तो उत्कल प्रदेश के अंदर जो भुवनेश्वर और जो जगन्नाथ, कोणार्क जैसे मंदिर जो है, उन प्रसिद्ध मंदिरों के जैसे यहाँ कोणार्क मंदिर के निर्माण के लिए, क्योंकि नरसिंह देव जो है वो एक कला प्रेमी राजा थे, तो वो अपने राज्य में एक भव्य मंदिर बनवाना चाह रहे थे, जो सूर्य मंदिर था, उस सूर्य देव के मंदिर के बनाने के लिए वो किसको चुनते हैं? विशु नामक शिल्पी को चुनते हैं और विशु को कहते हैं कि तुम इस कोणार्क मंदिर का निर्माण का कार्यभार संभालो। और जब यह बात देखते हैं हम कि राजा नरसिंह देव का ये जो समय था, ये किस वंश के थे? राजा नरसिंह देव गंग वंश के राजा थे। कब इनका जो समय था वो क्या था? 1238 से 1664 ईस्वी का इनका समय रहा है। तो गंग प्रदेश के राजा नरसिंह देव जब क्या यवनों को पराजित करने के लिए गंग प्रदेश जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस साम्राज्य का कार्यभार जो है वो महामात्य चालुक्य को संभाल के जाते हैं। हम देखते हैं कि जब वो जा रहे होते हैं तो वो विशु को कोणार्क मंदिर के निर्माण का कार्यभार देके गए थे। तो चालुक्य जो महामात्य चालुक्य था, उसको जो पदभार देकर नरसिंह देव गए थे, तो उसके पीछे हम देखते हैं कि चालुक्य अपनी कूटनीति और अपने दुर्व्यवहार के माध्यम से मजदूरों और शिल्पियों को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करता है, उनका शोषण करता है। तो नाटक की शुरुआत जो है वो इस प्रकार होती है कि विशु का कक्ष है, विशु जो कि कोणार्क मंदिर का महाशिल्पी है, जिसके सानिध्य में या जिसके निर्देशन में लगभग 1200 के करीब शिल्पियों और मजदूरों के द्वारा उस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। अब उस निर्माण को करते करते हम देखते हैं कि जब संपूर्ण पूरे जब मंदिर का जब निर्माण हो चुका था, तो उसके बाद में एक सबसे मुख्य समस्या इसमें आन पड़ी थी, वो क्या थी कि चुंबकों के आकर्षण से जो शून्य में अधर में लटकती हुई निराधार सूर्य देव की मूर्ति स्थापित करने की समस्या, मतलब सूर्य देव की जो मूर्ति थी उनको अधर में शून्य में खड़ा करने के लिए कई बार प्रयास किए गए, कई तरीके अपनाए गए, लेकिन वो शून्य में स्थापित नहीं की जा पा रही थी। तो
तो इस समस्या को देखते हुए विशु और उनके अन्य शिल्पियों के बीच में यह बहुत ही समस्या का विषय बना हुआ था। तो हम देखते हैं कि इस प्रथम अंक में ही चालुक्य जो महामात्य है वो आते हैं और इन सबको यह बात कहते हैं कि आप शिल्पी क्या कर रहे हो, अगर आपने 7 दिन के अंदर इस मूर्ति को स्थापित नहीं किया तो आप सब शिल्पियों के क्या करवा दिए जाएंगे, हाथ कटवा दिए जाएंगे। तो इस घोषणा से सभी शिल्पी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस तरीके से कह के और चालुक्य चला जाता है तो एक धर्मपद नाम का शिल्पी है, वो एक विद्रोही शिल्पी है जिसकी विचारधारा जागरूकता को लाके यथार्थता को अपनाते हुए गरीब मजदूरों के शोषण को रोकना है। तो हम देखते हैं कि इस नाटक में एक धर्मपद नामक व्यक्ति की मतलब का प्रवेश होता है। तो जब चालुक्य इस प्रकार की घोषणा करके चले जाते हैं कि अगर आपने 7 दिन में मंदिर की मूर्ति को स्थापित नहीं किया तो आपके हाथ कटवा दिए जाएंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस अंक का समापन हो जाता है। फिर हम देखते हैं नाटक का दूसरा अंक शुरू होता है उसी विशु के कक्ष में। जब विशु के बारे में विशु और अन्य शिल्पी जो है वो चिंतित थे, तभी एक जो राजीव है कौतक वो कहते हैं कि एक धर्मपद नामक व्यक्ति है, शिल्पी है, जो जिसके पास में वो कहता है कि मेरे पास में इस मूर्ति को अधर में स्थापित करने का सुझाव है, मैं इस मूर्ति को स्थापित करने की योग्यता रखता हूँ। तो धर्म विश्व कहते हैं कि उस धर्मपद को यहाँ पर पेश किया जाए। जब उसको बुलाया जाता है तो धर्मपद से बात होती है, क्या होती है कि धर्मपद को वो कहता है कि क्या, आप कैसे इसको स्थापित कर सकते हैं। तो उस मंदिर के अंदर क्या था कि कमल की जो पंखुड़ियां होती है, जैसे कमल की पंखुड़ियां ऐसे फैली हुई होती है फूल के समान, जो आपने सबने देखा होगा, लेकिन उसके अंदर वो जो कमल की पंखुड़ियां थी वो नीचे की तरह, उसका तिकोना जो भाग था वो नीचे था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको अगर अपन कमल की पंखुड़ी की तरह ऊपर कर दे और चुंबक बीच में अधर में स्थापित करे तो सूर्य देव की मूर्ति जो है वो स्थापित हो जाएगी। तो इस प्रकार सुझाव देने पर विष्णु ने कहा कि क्या इसके बदले आप क्या चाहते हैं। तो धर्मपद ने कहा कि अगर मैं इस मूर्ति को स्थापित करने में सफल हुआ तो आप अपने विष्णु का जो महाशिल्पी का जो पद है उस पद का कार्यभार 1 दिन के लिए मुझे सौंपेंगे। तो इस बात को सुनकर विशु जो था वो एक बार के लिए तो चौंका, लेकिन वह उस डर से कि अन्य शिल्पियों के जान पर बन आई है, महामात्य चालुक्य के पता नहीं क्या कर देगा, तो वह उस धर्म पद को उस कार्यभार को करने के लिए सौंप देते हैं। जब वह कार्य धर्म पद पूर्ण कर लेता है तब सब में उत्साह और खुशी का माहौल छा जाता है। और इसी अंक में हम देखते हैं कि जब धर्मपद इस मूर्ति को स्थापित कर चुका है, उधर जो राजा नरसिंह देव गए थे बंग प्रदेश यवनों को हराने के लिए, वो विजित होकर विजय प्राप्त करके वापस जब लौट रहे होते हैं तो वो बीच में ही अपनी सेना को छोड़कर मंदिर को जो कार्य वो सौंप के गए थे उस कार्य को देखने के लिए बड़े ही उत्सुक होते हैं। और वह अपनी सेना को बीच में ही छोड़कर सीधा जो है वो अपने जो नाम क्या है, महेंद्र वर्मन रहस्य अधिकारी है, उसके साथ में मंदिर में कार्य को देखने के लिए आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि मंदिर का कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, वो बड़े ही खुश होते हैं। तो इस बीच में हम देखते हैं कि जब बात की जाती है कि इस मंदिर की मूर्ति को किसने स्थापित किया, और जब राजा विशु को पुरस्कृत कर रहे होते हैं या फिर उनको सम्मान दे रहे होते हैं, तभी विशु जो है अपनी बात को रखते हुए कहते हैं कि इस मूर्ति को स्थापित करने का जो योगदान है वो योगदान धर्मपद ने निभाया है। तो इस बात पे विशु कहते हैं कि मैं अपने शर्त के मुताबिक 1 दिन के लिए नहीं हमेशा के लिए अपने महाशिल्पी का पद जो है वो धर्मपद को सौंपता हूँ। तो इस बारे में बात होने के बाद जब राजा नरसिंह देव उसको सम्मानित कर रहे होते हैं, तब जो बात उनको रखनी थी, वो जिसके कारण के लिए 1 दिन का पद मांग रहे थे, वो कारण क्या था कि धर्मपद जो है वो राजा नरसिंह देव के सामने उन मजदूरों की, उन शिल्पियों की करुण कथा, जो शोषण चालुक्य के द्वारा उनके ऊपर हो रहा था, जो उनको कार्य के प्रतिफल के रूप में जो उनको
वेतन मिलना चाहिए था वो वेतन तक नहीं मिलता था, उनके परिवारों के साथ जो अत्याचार होता था उसकी बात वह उसके सामने रखते हैं। तो एक बार के लिए राजा नरसिंह देव को इस बात का विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं कि आपको यह पद भार दे दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारे ही जो राजपाट के जो अधिकारी है उनके ऊपर अंगुली उठाएंगे। तो उनको जब इस प्रकार का क्रोध आता है तो राजा नरसिंह देव जो है वो महेंद्र वर्मन को कहते हैं कि जाओ चालुक्य को बुला के लाओ, अब तक चालुक्य आया क्यों नहीं है। क्योंकि चालुक्य जब आ रहे थे नरसिंह देव तो उस समय यह बहाना करके रुक गया कि जो सूर्य देव का जो रथ है उस रथ का पहिया जो है वो दिख चुका है, मैं उसको सही करके आता हूँ। तो इस कारण वह झूठ बोलकर पीछे रह गए थे। वो इसलिए रहे थे कि वह उस मंदिर पर अपनी सेना के साथ में आक्रमण करना जा रहे थे। तो जैसे ही महेंद्र वर्मन जा रहे होते हैं तो एक बाहर से, ये पात्र का नाम बताया मैंने दूत सेवालिक, तो बाहर से भागता हुआ दूत सेवालिक आता है और वह जो है वो चालुक्य जो है उसकी खबर लेकर आता है कि चालुक्य ने इस मंदिर को तीनों दिशाओं से घेर लिया है। तीनों दिशाओं से इसलिए कि चौथी दिशा जैसे उड़ीसा जो है वो समुद्र के किनारे है, तो बाकी चौथे जो किनारा है वहां पे पानी ही पानी था। तो तीनों जो किनारे थे वहां से सेना जो है वो आक्रमण के लिए आती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरे अंक का समापन होता है। तीसरे अंक में हम देखते हैं कि धर्मपद जो एक विद्रोही और जागरूक शिल्पी था, वह जब राजा नरसिंह देव इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि मेरी सेना पीछे रह गई, अब इस आक्रमण को कैसे रोका जाए, तो धर्मपद चूंकि शुरुआत में हम देखते हैं कि वह विशु जो एक महाशिल्पी है उसके सामने भी इस बात का तर्क वितर्क करता हुआ नजर आता है कि एक जिस प्रकार विशु कहते हैं कि एक कलाकार का कार्य क्या होता है, कला को करना, अपने कार्य में लगे रहना, ना कि राजनीति के इधर उधर की बातों में लगना। लेकिन उसके तर्क वितर्क में धर्मपद उस समय कहता है कि आपने जो ये श्रृंगारिक जो भोग विलास की जो मूर्तियां दीवारों पर बनाई है इससे क्या लाभ है, इससे अच्छा तो आप क्या करते, उस पसीना बहते हुए किसान की, उस कुल्हाड़ी लिए हुए लकड़ी काटने वाले लकड़हारे की, उस मजदूरों की जो उस दुनिया में यथार्थ रूप में क्या है शोषण भोग रहे हैं, जिनकी यथार्थता आपको बाहर लानी चाहिए, उनकी कला को बाहर निकालना चाहिए, उभारना चाहिए। तो वह जब उस महाशिल्पी के विरुद्ध में जा सकता है तो इस विकट परिस्थिति का भी समाधान निकाल सकता था। तभी हम देखते हैं कि धर्मपद जो है वो घोषणा करता है कि हम सब शिल्पियों के पास में हथियार रूप में कुल्हाड़ी है, करछी है, हम उसके माध्यम से ही इस पूरे आक्रमण को झेलेंगे और उसका सामना करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जब वह आक्रमण होता है तो वहां पे धर्मपद और उनके अन्य जो शिल्पी है जो मजदूर है वह उसका डटकर सामना करते हैं, और इधर वह जो नरसिंह देव है उनको नरसिंह देव को वह चुपके से क्या करते हैं, बंग प्रदेश वापस जाने के लिए कह देते हैं। और कहा जाता है कि आप बंग प्रदेश जाकर अपनी सेना को लेकर आइए, तब तक हम इस युद्ध को या इस आक्रमण को संभालते हैं। इस प्रकार इसी युद्ध के अंदर क्या होता है कि धर्मपद जो है वो घायल हो जाते हैं। उस पर जैसे ही वार होता है तो घायल होने पर उसके गले से एक माला गिरती है। उस माला के साथ में एक और छोटी कथा जुड़ी है इस नाटक में कि जैसे ही वह टूट कर माला गिरती है तो विशु जो है उस माला को देखता है और उसे अपनी उस पुरानी बात याद आती है कि वह एक सारिका नाम की लड़की से प्रेम करता था। तो उस सारिका नाम की लड़की को वह गर्भवती ही जंगल में छोड़कर आ गया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी कला के विकास के लिए उसको अपने साथ में वह नहीं रखता है। लेकिन आज जब उसने देखा तो उसको अपने उस बीती हुई कथा को या उस घटना को याद करके बड़ा ही दुख होता है, लेकिन उस धर्मपद को देखकर उसे खुशी होती है कि यह धर्मपद जो है वो मेरा ही पुत्र है। फिर उसके बाद में जब वह अपने पुत्र को ऐसे कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो, तब पुत्र ऐसे कहता है कि क्या आपको 16 साल मेरी याद या मेरी माता की याद नहीं आई। तब वह कहता है कि मैं कई कामों में कई इस चीजों में उलझ गया था, लेकिन वह उस चीज को छोड़कर वह कहता है मेरा सिर्फ एक ही कार्य है, वह है गरीब और मजदूर जो जनता है उसके शोषण को रोकना और उनको जागरूक करना और उनके हक को दिलाना। उसके साथ ही वापस युद्ध शुरू हो जाता है। धर्मपद जो है इस युद्ध में
लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वह अपने पुत्र को शहीद या मरते हुए देखता है तो विश्व को, जब धर्मपद जो है वह वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो विश्व को बहुत दुख होता है कि उसके पुत्र जो अभी मिला ही था वह इन चालुक्य के कार्यों के कारण उसको मतलब उसकी मृत्यु हो गई है। तो वह जो अपने हाथ से ही जिस मंदिर का निर्माण करता है, जिस मूर्ति को स्थापित करने के लिए इतने समय से जो समस्या चल रही थी, उस समस्या के निदान के पश्चात भी जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो विश्व क्या करता है, उस मंदिर के जहाँ पे मूर्ति स्थापित हुई है उस चुंबक के पास जाता है और अपने हथौड़े से प्रहार करना शुरू करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे ही चालुक्य और उसकी सेना मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तब तक विश्व जो है अपने हथौड़े से उस पे चोट किए ही जा रहा था और उस चोट के कारण वह जो मूर्ति थी वह अपने स्थान से टूटकर नीचे गिर जाती है और उसके नीचे ही दबकर महामात्य चालुक्य और अन्य उनके जो सैनिक थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इस संपूर्ण नाटक का जो है वो अंत होता है। तो इस नाटक से हमने क्या सीखा, इस नाटक में जो जगदीश्वर माथुर है वह इस जो ऐतिहासिक कुछ पात्र है उन पात्रों के माध्यम से और ऐतिहासिक जो धरोहर है हमारे कोणार्क का सूर्य मंदिर उसके बारे में कुछ कथा कहना चाहते हैं। इसके बारे में कई ऐसे किंवदंतियां हैं कि यह खंडहर कैसे बना, इसके अंदर क्या ऐसा हुआ कि आज यह खंडहर के रूप में है और इसकी मूर्ति जो है वो भ्रंश हो चुके हैं, कई इसके दीवारें जो है वो टूटी फूटी है। तो यह एक इतिहास के जानकारी जो है वो वर्तमान समय की जो जनता है, जो हम सामान्य जो लोग हैं उनको देना इनका एक उद्देश्य रहा है और एक ऐतिहासिक जो धरोहर है उसके बारे में इन्होंने अपने इस नाटक के माध्यम से हमें बताया है। इस प्रकार यह जो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है इसके लिए कहा जाता है एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक है। इसके अंदर जो शिल्पी जो थे, जो मजदूर थे जिन्होंने कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था, उनकी व्यथा उनकी गाथा को उन्होंने बताया है, उनके साथ होने वाले शोषण दुख और उनके कला कौशल को इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार शिल्पियों ने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था। इसके साथ ही इसके अंदर जो लेखक जगदीश चंद्र माथुर है इस संपूर्ण नाटक में सभी पुरुष पात्रों को लेते हैं। ये भी एक इस नाटक की विशेषता है कि इसके अंदर कोई भी महिला पात्र नहीं है। हाँ, एक जगह नाम जरूर आता है सारिका नामक उसकी प्रेमिका, लेकिन उसके अंदर पात्र के रूप में वह नहीं आती है, सिर्फ उसका नाम आता है याद के रूप में, कथा के रूप में। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कोणार्क जो नाटक है वो जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्धि का और इसके साथ ही उनके जो पहला राजा और शारदीय जो नाटक है वह भी उनकी प्रसिद्धि का बहुत ही सफल नाटक रहे हैं या फिर उनके योगदान के लिए बहुत ही आगे बढ़कर आए हैं। तो यह उनको साहित्य जगत में अलग साबित करते हैं जो उनकी विशिष्टता को बनाए रखता है और अपने इस कौशल के साथ ही उन्होंने अन्य कई क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने जो जगदीश चंद्र माथुर है वो न केवल एक नाटककार और एकांकिकार थे, वे प्रशासनिक सेवा में भी लगे हुए थे। उन्होंने बिहार में कमिश्नरेट पद पर भी अपना पदभार संभाला है, उन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया है। इसके साथ ही भारत सरकार के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग में भी अपना योगदान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी साहित्य में जो भारतीय इतिहास और जो संस्कृति है उसको माध्यम बनाकर वर्तमान की व्याख्या को प्रस्तुत किया है ताकि हमारी जनता, हमारे पाठक वर्ग जो है वो हमारे इतिहास के अतीत के गौरव को जान सके और आने वाले समय में उसको और अधिक सुदृढ़ बनाए रख सके। धन्यवाद।